दिखाता हूँ आप लोगों को कि मैंने इनके लिए क्या बनाया था। जीतने का नहीं है, खाने का है। हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सर? तभी दिन के ना 1 बज रहे हैं और मैंने दाल चावल भी बना के रख दिए हैं, तो थोड़ी देर बाद ना खाना खाएंगे। और अभी हम सब यहाँ पर बैठ रखे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप लोग? और जब हम गर्मियों की छुट्टियों में गांव गए थे ना, तो तमन्ना के पापा ने ना हमारे लिए स्पेशल एक चीज बना के रखी थी, और वो चीज ना इस डब्बे में है। तो दिखाता हूँ कि जब ये गांव गए थे ना, तो मैंने इनके लिए क्या बनाया है। स्पेशल देखो, ये है वो, ये है अचार। तो इन लोगों को ना, हमारी फैमिली वालों को अचार बहुत अच्छा लगता है, बनाते हैं, कुछ काम कर लेते हैं। तो मैंने अचार बनाया इनके लिए। और ये है ना, 6 किलो आम है, वहीं से मैं कटवा के लाया था। और इसमें 1 पाव है वो नींबू, और 1/2 किलो है हरी मिर्च। अब बन गए तो मना के पापा अचार वाले। तो अचार ना बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा, मतलब हमने खा भी लिया। इसमें तो मैं 10 में से 10 नंबर दूंगी। तो मैंने फर्स्ट बार बनाया है, और वो भी मैंने पहले ना यूट्यूब में देखा कि कैसे बनाते हैं, फिर मैंने उसी हिसाब से बनाया। इसमें से 2 डब्बे देंगे हम गाँव जब भी तमन्ना के पापा जाएंगे। मैं तो सोच ही रहा था कि अगर मैं इनको लेने जाऊं गांव, तो मैं लेके आने वाला था, पर इन्होंने बोला कि हम आ जाएंगे। तो इस अचार में से मैं 2 डब्बे अलग से निकाल दूंगी। तो क्या बोलते हैं, जब हमने खाया था अचार, तो आदि ने बोला ये मार्केट जैसा नहीं लग रहा। और अगले महीने अगस्त में जाऊंगा मैं गाँव, तो 1-1 डब्बा लेके जाऊंगा। और पिताजी को भी ना बहुत अच्छा लगता है अचार, उनको ऐसी चीजें जैसे अचार पकौड़ी और ऐसी मीठी चीजें उनको अच्छी लगती है। तो ये अचार मीठा नहीं है, है? नहीं, मीठी चीजें अच्छी लगती है उन्हें। मीठी और खट्टी चीजें ना उन्हें पसंद है बहुत ज्यादा। तो ये लोग थे नहीं उस टाइम में, नहीं तो मैं आप लोगों के लिए ना वीडियो बना के जरूर दिखाता कि मैंने कैसे बनाया है। तो वीडियो तो मैं बना नहीं पाया। अचार मतलब हमारी फैमिली में सबको पसंद है अचार। तो मैंने कहा यार अब की बार मैं 6 किलो का ही बना लेता हूँ। तो इस अचार को मैं डब्बों में भर देती हूँ, और उसके बाद ना आजकल आम बहुत सारे आ रखे हैं, तो फिर से ना इसमें अचार डाल दूंगी। हर अचार जितना पुराना हो ना उतना अच्छा होता है ना। और मेरे को लगता है कि मैं धीरे धीरे ये पार्ट टाइम काम कर लूं। अचार बना के डब्बों में पैक करके, और देखना अचार की क्वालिटी आपको कैसी लगी। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, ये देखो। नहीं, अचार तो अच्छा बना हुआ है। ये वाला काम तो इन्होंने अच्छा किया, पर इन्होंने ना जो मेरी मिर्ची के पेड़ थे ना, ये सारे सुखा दिए। मेरे को लग रहा है ना इन्होंने गर्म पानी डाला पौधों में। नहीं, गर्म पानी कहाँ, क्यों डालूंगा मैं? गर्मियों के टाइम में गर्म करूंगा मैं पानी? एक भी पेड़ ऐसा नहीं था जो हरा होगा, और वो भी आजकल। अरे ये तो उन्होंने आजकल बरसात के टाइम में भी, मतलब हमारे सारे गमले सूखे हुए हैं, जैसे पतझड़ में नहीं सूखते पौधे वैसे। ये तो कबूतर भी आते थे ना वहाँ पे। हाँ, तो कबूतरों ने सुखा के चले गए, काट देते थे वो, जैसे वो थोड़ा बड़े होते थे तो काट देते थे। भिंडी के पेड़ थे और मिर्ची के पेड़ थे, और 1-2 फूल के पेड़ थे, और आप सिर्फ बचे थे 4। ये जो अचार बना रखा है मिर्च का, ये उन्हीं पेड़ों का तो है, जिन्हें पता ही नहीं। तो बस हमारे ना 1-2 पौधे बचे हुए है, 1 तुलसी का, दूसरा 1 तुलसी का, एलोवेरा का, हाँ 2, और एक खीरे का, एक खीरे का हो रहा है, खीरे की बेल हो रखी है, और एक मिर्ची वो नीचे जा रही है, अभी सीधे ऊपर को नहीं नीचे को जा रही है वो बालकनी से। कीड़े कीड़े दूसरे दिन नीचे ही लटके रही है। ये मान ली खाने के लिए हो जाएगा। कदा हो लियो यार, 5-6 किलो 6 किलो अचार हो लियो है ना, भारी है वो। बस भाई ये देखिए भरा किलो भरना हुआ था उसका थोड़ा सा। तो अचार देख के बताना है कि कैसा बना हुआ है, क्योंकि अचार ना देखने से पता चल जाता है कि कैसे बना है। टेस्ट तो आप लोग कर नहीं सकते हो, तो एक बार जरूर बताना देख के कि कैसे बना हुआ है। टेस्ट करना होगा, तो संपर्क करना। और किस किस को ना अचार देख के मुंह में पानी आ गया, ये जरूर बताना कमेंट में। फिर इसमें डालेंगे हम लहसुन का अचार, सर्दियों के तेल काफी है और मसाला भी है, सर्दियों का काम आ जाएगा। लहसुन का अचार आजकल तो गर्म होता है ना। आजकल खाओ आम और मिर्च का, और सर्दियों में खाओ लहसुन। सर्दियों में डालेंगे फिर गाजर का। तो चलो तो अब खाना खाते हैं। आज बना रखी हमने मसूर की दाल छिलके वाली, फर्स्ट बार मैंने ना गांव में खाई थी, और मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। हम लाते थे, पर हम वैसे लाते थे छिली छली लाते थे, पर इस बार ना मैं छिलके वाली दाल लाई, मेरे को अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि आज यही बनाते हैं। तो चलो खाते हैं। उसका टेस्ट ना मेरे को अच्छा लगा, मैंने तमन्ना के पापा को बोला कि लेके आ जाओ। मसूर की दाल और भात और साथ में अचार,
और अब की बार ये बोल रहे थे ना कि ये वाली दाल लेके आनी है, काली मसूर वाली। ये शायद ये गांव में खा के आए हैं ना अब की बार, तो इन्होंने बोल रहा बहुत अच्छी हो रही थी तो वही लेके आनी है। नहीं अचार नहीं, बस मैंने आम की अचार चखे, नींबू का एक बार भी। हिला कम कर, हाँ ये हिलता ना बहुत ज्यादा है, हिलने में तो ये नानी की मार भी खाता है। सही से खा, तो अब जल्दी से खाना खाते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कल बारिश हुई है यहाँ तो उसकी वजह से ना मौसम अच्छा हो रहा है, और पहाड़ों में ना बहुत जोरदार की बारिश हुई है, दो तीन दिन से बारिश ही हो रही है आजकल तो ऐसे रोले तो लगे। उसकी वजह से ना दिल्ली में अच्छा मौसम हो गया, ठंडा हो गया है, नहीं तो बहुत उमस हो रही थी बीच में तो बहुत ज्यादा। अब अगली बार जाओगे ना गाँव गर्मियों की छुट्टी में तो मैं मुरब्बा बना के रखूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है? आमले का मुरब्बा, ठीक है ना? मतलब तमन्ना के पापा ने सोच लिया कि मुझे अचार ही बनाना है, मुरब्बे भी अच्छा होता है। पानी दे दो। सही सही बोलता। मैं जीत गया, मैं जीत गया। अम्मी खाएगा? जीत तो गया, जीतने का नहीं है, खाने का है। खा ले और आज थोड़ा खा लेना, कोई बात नहीं तू ही जीतेगा, चल और खा ले, पेट भर गया। बच्चों के लिए ना ये बोलना भी तो परेशानी है कि जो पहले खा लेगा वो जीत जाएगा, खा लेना और पेट भर गया। कर दी मैंने ये बोल के कि जो पहले खाएगा वो फर्स्ट आएगा। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे ना जल्दी के चक्कर में, फर्स्ट के चक्कर में ना आधे खाना खा के उड़ जाते हैं। नहीं खा रहा है आदि? तो अब हमने खाना भी खा लिया है और अभी हम खा रहे हैं आम। आराम से बैठ के आम खाते हैं पहले। दशहरी आम, आज का सब जगह आम आम। और पापा तो खा के बैठे हुए हैं और मैंने तो खा लिया आम। और हमारे यहाँ तो ना आम अभी कोई 100 के है ना, 2 किलो 100 के, 3 किलो नहीं 2.5 किलो जो अच्छे हैं वो 2 किलो है। नहीं अच्छा, कल मैं लाए 50 रुपए के 2 किलो, अच्छे है ये आम। तो आप लोगों का क्या क्या रेट है आम का तो जरूर बताना। और सबसे अच्छे आम और सबसे मतलब सस्ते आम कहाँ मिलते हैं? ये भी जरूर बताना। मिलते हैं ना, यूपी साइड में तो मिलते हैं। वहाँ तो मैंने कि पापा को भेज रही हूँ। सबसे ज्यादा लोग आम को ही पसंद करते होंगे, कोई होगा जो नहीं काटा होगा आम मेरे को तो आम अच्छा। और आम की ना वैरायटी भी बहुत होती है, बहुत तरीके के आम, लंगड़ा आम और लंगड़ा दशहरी और अल्फेंसो मैंगो, एक होता है यार क्या बोलते हो उसे, मालदा भी होता है। मेरे तीन तो मेरे को भी पता है। तो आजकल ना दबा के आम खाओ, आम का सीजन है, आम का अचार, आम की चटनी, आम की सब्जी, आम जिसको जैसे तरीके से पसंद है। तब थोड़ी देर आराम करते हैं और उसके बाद मेरे को तमन्ना को जाना है कहीं, और आदि और आदि के पापा जाएंगे कहीं और घूमने के लिए। इनकी पार्टी जाएगी अलग, हमारी पार्टी जाएगी अलग, लेडीज पार्टी अलग और जेंट्स पार्टी अलग। तो चलो सोना तो क्या है, वैसे थोड़ा कमर सीधा करते हैं क्योंकि घर से आके ना बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है और थकान भी लगी हुई है, आज सुबह से लगे हुए हैं हम काम पे। अचार बल ज्यादा नहीं खाना चाहिए वैसे, है ना, कम ही खाना चाहिए अचार। वैसे अचार खाने का मजा तो गर्मियों में ही आता है ज्यादा, सर्दियों में ज्यादा मन नहीं करता। बल मैंने फर्स्ट बार बनाया अचार, अब हर साल बनाना। ये डब्बा पैक हो रहा है कोटली के लिए, ये भर दिया मैंने 1 किलो का डब्बा, और ये ना अचार का ही डब्बा था, और वैसे तो कांच का डब्बा सबसे बढ़िया होता है या चीनी मिट्टी का, पर उसमें ना थोड़ा फूटने का डर रहता है अगर रास्ते में कहीं लेके जाओ तो, इसमें सही है प्लास्टिक में थोड़ा सेफ रहेगा। इसमें भी मिक्स अचार था ना इस डब्बे में, मार्केट से लाया। तो चलो तब इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, और जो हमने कल व्लॉग डाला था जिसमें मैंने ग्लोब बनाया था तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रखे थे, तो उन सबके लिए थैंक यू, और जिन लोगों ने व्लॉग भी देखा उन सबके लिए भी थैंक यू। और ये देखो ये मैंने ना आज सुबह बनाया था, राधे कृष्णा, ये मैंने सुबह बनाया था। तो ये चीज़ें ना बनाने मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ड्राइंग वगैरह क्राफ्ट वगैरह, तो इसलिए मैं बनाती रहती हूँ। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।
और हमें ऐसी सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, और आगे भी ऐसी सपोर्ट करते रहना। बाय बाय, टेक केयर।